हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दमासी किचन में। ये देखिए, आज मैं आपके लिए चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए कितना टेस्टी बना है चिकन, स्वादिष्ट भी है। आप अपने घरों में रेस्टोरेंट से भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए, इसे मैंने कैसे बनाया है वो वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या क्या मैंने इसमें सामान ऐड किया है वो मैं आपको बताऊँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यहाँ मैंने लिया 300 ग्राम चिकन, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मसालों को मैंने लिया है 2 कटी प्याज, 20 से 15 लहसुन की कली, अदरक, हरी मिर्च 5 पीस, 2 तेज़पत्ते, जीरा, 2 लौंग, 1 इलायची और छोटी सी मैंने यह लिया दालचीनी, जीरा गुल की, 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 2 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक। इधर मैंने लिया है 50 ग्राम सरसों तेल। तो चलिए हम चिकन बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिया है एक मिक्सर जार। अब हम मसाला को पेस्ट बनाएंगे। प्याज को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे। लहसुन, अदरक, मिर्च और जीरा गुल की, थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, करीब 1 गिलास। इसे हम पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए पेस्ट बन चुकी है। अब हम चिकन बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिया है और तेल भी डाल दिया। तेल गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे जीरा, तेजपत्ते, 2 इलायची, तो प्याज मैंने लिया कट करके। इसे ब्राउन होने तक भुनना है। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। अब इसे हम ढक देते हैं। दो से तीन मिनट हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 2 चम्मच, ये देखिए फ्रेंड्स। अभी और हमें भूनना होगा, तभी हम सभी मसालों को ऐड करेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो चुकी है। अब हम मसालों को डालेंगे। ये देखिए मसालों को हम अच्छी तरह से मिला चुके हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से भूनने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मसाले भून चुकी है। पाँच मिनट इसे और हम पकाएंगे। अब इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। ये देखिए 5 मिनट हो चुकी है और अच्छी तरह से सीझ भी चुकी है, ये देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप पानी आप डाल सकते हैं। अगर आप सूखा पसंद करते हैं खाना तो आप इसी तरह से रहने दें। अब हम गैस को ऑफ करते हैं। चिकन बन के रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने चिकन के रेसिपी बनाकर रेडी कर लिया है। मैंने इसे नींबू और मिर्ची से गार्निश कर लिया है। कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।